वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है 10th मार्च एंड ऑलमोस्ट अभी रात के बज रहे हैं 12:16। Xiaomi 11i हाइपरचार्ज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर 45 डेज ऑफ यूजेज। तो इसका जो वीडियो था मैंने सबसे पहले अनबॉक्सिंग डाली थी 25 जनवरी को एंड आज है 10th मार्च, तो ऑलमोस्ट 44-45 डेज हो चुके हैं। तो आफ्टर 45 डेज वाला रिव्यू मैं करने वाला हूँ एंड आपको इन डेप्थ सारी चीजें बताऊंगा इस फोन के बारे में। सो बेसिकली 100% यहाँ पर चार्जिंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है। 120 वॉट से जस्ट मैंने चार्ज करके निकाला है एंड लेट मी टेल यू गाइस, इसका जो चार्जिंग स्पीड है अमेजिंग है। लिटरली आपको 20 से 25 मिनट्स में पूरा फुल चार्ज मिल जाता है। एक स्पेसिफिक सेटिंग है जो आपको ऑन करना पड़ता है सबसे पहले, ये जो फास्ट चार्जिंग स्पीड अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूंगा, ट्रेन परफॉर्मेंस में चले जाते हो, इस बैटरी वाले सेक्शन में जाना है, फिर बूस्ट चार्जिंग स्पीड, और ये बूस्ट चार्जिंग स्पीड को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ही आपका जो 120 वॉट वाला चार्जिंग स्पीड है वो अनलॉक होगा। अगर वो ऑफ रहेगा तो वो 67 वॉट से चार्जिंग होगा, तो विच इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, बट ऑब्वियसली 120 का अगर आपको ऑप्शन मिला है तो क्यू 67 में देंगे। मजा आने वाला है, देखते हैं। एंड अभी सिंस रात के ऑलमोस्ट 12:30 होने वाला है, तो अभी चलते हैं बाहर, अंधेरे में हम लोग फोटो खींचते हैं एंड देखते हैं, लेट्स गो। हाय गाइस, सो अभी बज रहे हैं 12:33 एंड अभी मैं निकला हूँ बाहर टू टेस्ट आउट द कैमरा। तो हुडी वगैरह पहन लिया मैंने, वैसे तो नहीं पहनना चाहिए था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है Xiaomi 11i हाइपरचार्ज के फ्रंट कैमरा से। तो जो भी ऑडियो आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सब इसी से ही शूट होने वाला है। बीच में थोड़ा आईफोन में शूट करूंगा जब कुछ अच्छा फुटेज चाहिएगा, बट देन कुछ आपको अंदाजा आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा घूमेंगे अपने एरिया में एंड जो भी अच्छे से मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, जो कुछ ऐसे अट्रैक्शंस बनाए हुए, काफ़ी सही काम कर रहे हैं वैसे गवर्नमेंट, तो वो सब के फोटोज़ वगैरह खींचेंगे एंड देखेंगे कि नाइट टाइम परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे क्विकली कैमरा स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूँ, तो 108 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है एंड विच इज़ f1.9, अच्छा बड़ा सेंसर है, अपर्चर ज़्यादा है, तो लाइट टाइम पर थोड़ा सा मेरे को भरोसा हो रहा है। बाकी यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो मिल जाता है। नो टेलीफोटो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। वेल गाइस, काफ़ी फॉर्चुनेटली हमें एक गार्डन खुला मिल गया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब गार्डन में थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे क्योंकि आज पता नहीं फोटोग्राफी करने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है। ओके सो गाइस, अभी मैंने फोटो सारे खींच लिए हैं एंड अभी हम लोग चलें। ये क्या अपने आप कैसे नहीं होगा। 12:49 हो रहा है एंड अभी बैटरी परसेंट स्टिल 100% है। हमने आई गेस 12:10 को टेस्ट चालू किया था एंड 12:49 ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुके हैं एंड स्टिल 100% पर है बैटरी। मैंने बहुत ज़्यादा कैमरा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह निकाले, एक दो वीडियोज़ निकाले तो स्टिल 100% है, तो दैट मीन्स इट्स होल्डिंग अ प्रीटी ग्रेट, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। अभी थोड़ा कुछ और यहाँ पर फोटोज़ खींचते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस, सो एंजॉय द मॉन्टाज। मैंने ये रियलाइज़ किया एक चीज़ कि मैंने नाइट टाइम में सेल्फीज़ तो खींची ही नहीं, फिर रैंडमली यहाँ पर एक अच्छी काफ़ी बड़ी लाइट है, इसके नीचे रुक के मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से सेल्फीज़ ले लेता हूँ। सो गाइज, घर जाने से पहले एक क्विक स्टॉप ले लिया था मैंने, गिल्टी एज चार्ज्ड, क्योंकि बहुत ठंडा खाने का मन कर रहा था एंड आई जस्ट नीडेड टू गेट समथिंग। बेसिकली सिंगल पैकेट ऑफ वेनिला हर्शीज ले लिया, तो अभी चलते हैं घर पे। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:07, रात को मैं सो गया था घर आकर। तो बेसिकली अभी प्लान था जिम जाने का, बट एज यूजुअल उठने को नहीं हुआ सुबह। एनीवेज, Xiaomi Mi 11i की जो बैटरी है 94% पर है, तो सोते वक्त इट वॉज अराउंड 98, 4% का आइडल बैटरी ड्रेन हुआ है रात भर में। कंपेयरिंग टू रियलमी 9i ये थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि रियलमी 9i का सिर्फ 2% या फिर 1% ही आइडल बैटरी ड्रेन हुआ था रात भर में। अभी प्लान है थोड़ा बाहर जाके घूमने का। आज मेरा प्लान है थोड़ा सा जो इसके वीडियो मोड्स हैं वो एक्सप्लोर करने का,
एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि शाओमी में जब आप टाइम लैप्स लगाते हो तो टाइम लैप्स के सेटिंग्स में आपको यहाँ पर स्पीड का सेटिंग भी मिल जाता है। स्पीड में जब आप स्क्रॉल करोगे तो 4x से 15 to 30x इज गुड फॉर स्ट्रीट, फिर उसके बाद में 60 to 90x इज गुड फॉर क्लाउड्स, फिर 120 to 150 इज अराउंड गुड फॉर सनराइज एंड सनसेट वगैरह। ये काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगा बिकॉज रियलमी में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि कौन सा सेटिंग्स पे रखना चाहिए टू हैव अ गुड टाइम लैप्स, तो ये मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। एनीवेज अभी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मुझे एक लोगो डिज़ाइन करना है। सो गाइज अभी जा रहा था मैं बाहर, एंड बाहर जाने से पहले मुझे स्ट्राइक हुआ कि एक मस्त प्यारा सा कवर भी मिल रहा है आपको बॉक्स के अंदर, तो इसको जरा यूज करता हूँ। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाओमी 11 हाइपरचार्ज के फ्रंट कैमरा से, आप देख सकते हो यहाँ पर। वेल आउटडोर कंडीशंस में काफ़ी सही यहाँ पर फुटेज आता है, इवन जो फोटोज आते हैं वो काफ़ी क्लियर आते हैं। तो मैं फोटोज़ के बारे में कुछ बात करना चाहता था कैमरा के। तो एज वी नो जो रियर कैमरा है इसका, इट्स 108 megapixel f1.9, वो कि बहुत सही आता है। आई मीन अगर आप क्लोजअप फोटोज लोगे तो फोटोज में बैकग्राउंड एकदम अच्छे से ब्लर हो जाता है। एनीवेज वाइड एंगल का जो कलर बैलेंस है मुझे काफ़ी सही लगा। कहीं कहीं लो लाइट कंडीशंस में जो नॉर्मल कैमरा है वो कलर अच्छे से नहीं पकड़ता, आपने नाइट टाइम वाले फोटोज में देखा ही होगा, तो वो एक मुझे आपको बताना था। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो वीडियोज काफ़ी स्टेबल होते हैं, मैंने रियर कैमरा से फुल 10x जूम तक करके वीडियो शूट किया था, एंड ओवरऑल जो फुटेज था वो काफ़ी स्टेबल हुआ था। तो EIS यहाँ पर वर्क करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द OIS, मैं वो चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा, बट देन EIS वर्क करता है डेफिनेटली। सो इट वॉज नाइस स्टॉपिंग हियर, थोड़े से और फोटोज क्लिक करूँगा एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स रॉयल इनफील्ड शोरूम, क्योंकि यार आज तो कुछ भी करके मैं सर्विसिंग कराने वाला हूँ गाड़ी की। सो एनीवेज अभी चलते हैं सीधा डायरेक्टली वहाँ पर। जस्ट 11i हाइपरचार्ज के कैमरा से मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया है, एंड व्लॉग आई मीन जो व्लॉग मोड मिलता है हमें कैमरास में, इसका फुटेज जो है मतलब जो व्लॉग बना है इफेक्ट्स के साथ आपको एकदम मस्त मिल जाता है। मैं आपको अभी प्ले करके दिखाता हूँ। बहुत सही बना है। वैसे मैं यहाँ पर अभी सर्विस सेंटर पहुँच चुका हूँ, अभी मैंने बाइक दे दी है, मेरी बाइक सेकंड नंबर है तो काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ। सो मैं सोच रहा हूँ बैठे बैठे थोड़ा सा पबजी खेल लेते हैं, सो दैट गेमिंग का भी टेस्ट हो जाएगा एंड ओवरऑल अपने को अंदाजा भी आ जाएगा कि कैसे यू नो गेम परफॉर्मेंस आती है। वैसे पहले मैंने खेला हुआ है, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, प्रोसेसर अमेजिंग है, सो कोई तकलीफ नहीं है, बट खेल के देखते हैं एंड लेट्स सी। सो क्विक अपडेट, अभी बज रहा है 12:57 एंड बैटरी परसेंट 46% पर है। पूरे टाइम पबजी खेल रहा था, ऑलमोस्ट यू कैन से मैंने 1-1.5 घंटा पबजी खेला है, एंड जब स्टार्ट किया था तब बैटरी परसेंटेज 74 पर था एंड अभी 46 पर आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 24-25% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 1 घंटे में। तो ये थोड़ा सा स्टीप मुझे लग रहा है, बट देन इसका जो बैटरी है शाओमी 11i हाइपरचार्ज का वो 4500 mAh का ही है, तो थोड़ा छोटा बैटरी एज कम्पेयर टू बाकी फोन, तो बैटरी साइज के हिसाब से तो बैटरी ड्रेन तो होने ही वाला था, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइज हो सकता है। एनीवेज एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि पबजी खेलते टाइम जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं शाओमी 11i हाइपरचार्ज के वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, आई मीन लेफ्ट एंड राइट का साउंड एकदम डिस्टिंक्टली आ रहा था। बिना हेडफोन के मैं खेल रहा था एंड एकदम आराम से फुटस्टेप्स वगैरह साइड से गोली चल रही है सारी चीज़ें एकदम आराम से समझ रही थी, तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा, कोई लैग नहीं था, एकदम स्मूथ गेम प्ले था, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर मैं खेल रहा था एंड हाईएस्ट सेटिंग्स इस पर HDR पर अल्ट्रा है, तो काफ़ी अच्छे से चल जाता है, गेमिंग के मामले में कोई तकलीफ नहीं है। अभी सर्विसिंग मेरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट मैंने कर दिया है, बस गाड़ी आने का वेट कर रहा हूँ बिकॉज गाड़ी गई है वॉशिंग के लिए। वेल गाइस अभी मैं वापस आ चुका हूँ एंड फाइनली सर्विसिंग वगैरह सब हो चुका है, एंड अभी बात करते हैं इसके बॉडी डिज़ाइन के बारे में। बैक साइड में ग्लास मिलता है, फ्रंट साइड में ग्लास है गोरिल्ला ग्लास 5, एंड ये कैमो ग्रीन कलर में मैंने मंगाया था, तो दिस इज़ बाय फार द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर, आई मीन काफ़ी सही लुक आता है, कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करेगा इसके कलर को, बट देन इसका बेल्ट डिज़ाइन मुझे काफ़ी सही लगा। अब इसका जो बम्प है वो थोड़ा सा बाहर ज़रूर है, बट देन
यू नो कुछ इस तरह से आपके फिंगर से सपोर्ट देने के लिए काफी अच्छा रह जाता है। बात करेंगे इसके डिजाइन की, इन हैंड फील की, तो डेफिनेटली बॉक्सी डिजाइन है तो थोड़ा सा स्टर्डी फील होता है, एकदम ऐसा कंफर्टेबल वाला फीलिंग नहीं आती है। ऑल्सो Xiaomi 11i Hypercharge एक 5G सपोर्टेड फोन है, तो इसमें जो चिपसेट है 5G सपोर्ट करता है, अच्छे खासे बैंड्स भी है, तो सिर्फ नाम का 5G नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे 8 बैंड्स मेंशन मिल रहे हैं। प्लस IP53 रेटिंग है, तो स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ आपको यहाँ पर मिल जाता है, प्रूफ नहीं रेजिस्टेंट है। ऑल्सो इस फोन में आपको सारे के सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी अच्छे से काम करते हैं। सो जैसे मैं टैप कर रहा हूँ अनलॉक हो जाता है। सो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है, बट आपको बटन प्रेस करना पड़ता है, रियलमी स्मार्टफोन जैसे नहीं कि बस फिंगर रख दिया अनलॉक हो गया। एंड एनीवेज फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ कि आपको 30,000 के अंडर ये फोन खरीदना चाहिए कि नहीं, तो आई वुड ऑनेस्टली से इट्स अ गुड चॉइस अगर आपको MI डिवाइसेस के फैन हो, बट अगर आपको कैमरा ज्यादा प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली देर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल। रियलमी 9 प्रो प्लस अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो कैमरा अगर प्रायोरिटी है तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस वन। अगर आपको गेमिंग करनी है, आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, आपको स्पीकर साउंड अच्छे चाहिए, हैप्टिक्स अच्छे चाहिए एंड चार्जिंग, तो डेफिनेटली गो फॉर Xiaomi 11i Hypercharge। बैटरी बैकअप थोड़ा सा मुझे फीका लगा, बिकॉज आई फेल्ट कि बैटरी थोड़ा ज्यादा ड्रेन हो रहा है, नॉर्मल यूजर्स के टाइम तो नहीं, बट देन अगर आप गेमिंग वगैरह कुछ करते हो, हैवी चीज करते हो, तो बैटरी ड्रेन थोड़ा सा नोटिस होता है। एनीवेज वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाइंड अप है आपके लिए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको सारा चीज शेयर करने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट TEDx का व्लॉग मुझे डालना है, दुबई गया था उसका आपके साथ शेयर करना है, मैंने क्या क्या सीखा से मिला। इवन अगर आप दुबई जाते हो एंड आपको आईफोन खरीदना है तो आपको कहाँ जाके सबसे बेस्ट प्राइस मिलेगा, इसका भी एक व्लॉग मैंने शूट किया है, तो ये सारा कंटेंट लाइंड अप है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू वॉच इट। एंड एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स मी साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंटेक, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।